क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 को पहले आप समझ लो इसमें क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो ये इसमें देखो दिखाया है व्हाट लेंथ ऑफ टार्पलीन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर. ठीक है, तो देखिए व्हाट लेंथ ऑफ टार्पलीन, टार्पलीन दैट मींस एक टाइप होता है क्लॉथ का जिससे कि टेंट वगैरह बनाया जाता है. तो टार्पलीन 3 मीटर वाइड, मतलब जो टार्पलीन हम लोग यूज करने जा रहे हैं उसका ब्रेथ दिया हुआ है, कितना दिया है 3 मीटर. विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर. चलो उसको थोड़ा समझते हैं कैसे क्या बात बता रहा है. देखो एक टार्पलीन का क्लॉथ है, ठीक है, कुछ ये क्लॉथ है उसी टाइप का होता है और इसका ब्रेथ आपको बता रहा है 3 मीटर. ये 3 मीटर ब्रेथ का है और इसमें हम लोग लेंथ कितना ले लें, तो चलो इसके लेंथ को हम लोग कैपिटल एल ले लेते हैं, कैपिटल एल मीटर हम लोग इसको लेंगे. ठीक है, जैसे ऐसे समझो कि आप शर्ट बनवाने के लिए जब कपड़े लेने जाते हो मार्केट में, शर्ट बनवाना है, पैंट बनवाना है, तो देखो उसकी विड्थ क्या होती है, फिक्स होती है. जो उसकी विड्थ सपोज कर लो ये है तो उसकी विड्थ फिक्स होती है, लेंथ आप बढ़ाते जाते हो, यही होता है ना. ऐसे ही क्लॉथ ये टार्पलीन जो है उसका विड्थ फिक्स है कि 3 मीटर आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेंथ आप जितना बढ़ाना है बढ़ा लो. तो कितने लेंथ का टार्पलीन ले ले उसको हमने कह दिया एल मीटर, कैपिटल एल मीटर, क्योंकि स्मॉल एल हम लोग स्लैंट हाइट के लिए यूज करते हैं, तो उसने कैपिटल एल ले लिया. तो अब कितने लेंथ टार्पलीन का कितना लेंथ लेना चाहिए जिसका ब्रेथ है 3 मीटर कि ये टेंट का फॉर्मेशन हो जाए. और टेंट देखो जो बनाना है उस टेंट के बारे में कुछ बता रहा है आपको, उसको भी बना के दिखा देते हैं. ऐसे देखो टेंट है, देखो कभी भी टेंट आप टेंट का फॉर्मेशन करते हो तो टेंट के फॉर्मेशन में कभी भी बेस नहीं होगा, बेस नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पर आप टार्पलीन यूज नहीं करोगे. इतने लेट में बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बताओ. चलो ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं. अब देखिए ये जो बेस है यहाँ पर आप टार्पलीन यूज नहीं करोगे, ये केवल यहाँ पर यूज होता है कर्व पार्ट में. तो कर्व पार्ट ऑफ द कोनिकल टेंट जो है वहां पर क्लॉथ यूज होगा, टार्पलीन यूज होगा इस टेंट को बनाने के लिए. ठीक है, गुड मॉर्निंग. तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो हाइट दिया हुआ है इसको बनाने के लिए, हाइट जो है वो है आपके पास 8 मीटर. ठीक है, और जो इसका बेस का रेडियस है वो है 6 मीटर, 6 मीटर. ठीक, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये बताना है कि कितना क्लॉथ हम लोग, कितना टार्पलीन हम लोग ले लें जिससे ये टेंट बन जाए. तो ठीक है, अब आपको ये तो पता चल चुका है ना कि जो टेंट बनना है उसमें जो यूज होगा क्लॉथ वो किस पार्ट में होगा, वो होगा पीएसए में, क्योंकि ये जो बेस होगा जो ग्राउंड होता है टेंट का वो वहां पे टार्पलीन नहीं लगाया जाता है. ठीक है, हम लोग को टेंट का फॉर्मेशन करना है तो आप देखो इसका हम लोग को सीएसए चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो हमको एल चाहिए, पहले एल निकालना पड़ेगा. तो इस कोन के लिए पहले एल सी के लिए फॉर्मूला लिख दो, तो रूट में 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36 और आपको 10 मिल रहा है. L जो है वो कितना मिल गया, L इज इक्वल टू 10 मीटर, 100 आएगा. और यहाँ से जो स्लैंट हाइट हुआ, स्लैंट हाइट स्पून का हमको कितना मिल गया, 10 मीटर. क्लियर, 10 मीटर हमको स्लैंट हाइट मिल गया. अब आप इस टेंट का CSA निकाल लो, तो इसका CSA जब आप निकालोगे तो CSA ऑफ कोन कोनिकल टेंट. ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर और एल. देखो स्मॉल एल लिखा गया स्लैंट हाइट के लिए और जो कैपिटल एल है वो है आपका, कैपिटल एल जो लिया हमने लिया है लेंथ ऑफ द टार्पलीन के लिए. क्लियर, अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लोगे तो वैल्यू अगर देखो तो 22/7 आर आपको बता रहा है 6 और एल हम लोगों ने निकाला है 10. ठीक, छोड़ दीजिए इतने पे. हाँ बोलो, हाँ बोलिए. अच्छा ठीक है, पाई की वैल्यू, अच्छा एक मिनट हम अच्छा हम देख लेते हैं. हाँ क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दिया है 3.14, तो 3.14 ही यूज कर लेते हैं. चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है 3.14 ये गिवन है, पाई की वैल्यू देखो यहाँ पे गिवन है, पाई की वैल्यू गिवन है, पाई इज इक्वल टू 3.14. और अगर हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है तो आप उसको यूज कर लो, गिवन होगा तो 3.14 ही होगा, अदरवाइज जो डिफॉल्ट वैल्यू पाई की होती 22/7 आप यूज करते हो. ठीक है, चलिए इतने पे अभी इसको छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन बहुत करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हम लोग को कंपेयर भी करना है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग लेंथ, एक बात समझो ध्यान से पहले
कि अगर ये क्लॉथ ये टार्पलिन है, इसका लेंथ एल है जो कि हम लोग को मालूम करना है, ब्रेथ है 3 मीटर, इसी टार्पलिन से ये टेंट बनना है, तो दैट मीन्स दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। जितना इस टार्पलिन का एरिया होगा उतना ही टेंट जो का जो कोनिकल पार्ट है, जो पीएसए है, उसका भी एरिया होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से एरिया ऑफ टार्पलिन इज इक्वल टू सीएसए ले सकते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ टार्पलिन इज इक्वल टू सीएसए ऑफ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट। ठीक है, क्यों ले रहे हो, ये समझ रहे हो ना, क्यों ले रहे हो आप? क्योंकि जिस जो टार्पलिन का एरिया होगा उसी एरिया से पूरा टेंट बन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टार्पलिन का एरिया हम लोग लिख लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि वहां पर लेंथ पूछा है, ब्रेथ दिया है, तो रेक्टेंगुलर शेप हुआ, तो इसका हो जाएगा एल इंटू बी। बी मतलब हो गया 3 मीटर इज इक्वल टू 3.14 इंटू 6 इंटू 10। अब इसको फाइनली हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 2 जा कैंसिल कर लिया और ये आपका हो जाएगा 3.8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गया 6 और डेसिमल आपका ये आ जाएगा 62.8, ये आ जाएगा 62.8 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर जो लेंथ आया टार्पलिन का लेना चाहिए वो 62.8 मीटर लेना चाहिए, लेकिन अभी क्वेश्चन में कुछ और पार्ट बचा है, जरा उसको पढ़ लें। देखो और क्या बता रहा है इस क्वेश्चन में कि assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter, मतलब 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको लेना पड़ेगा। जो देखो हमने आपको पहले बताया ब्रेथ तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, ब्रेथ तो 3 मीटर ही मिलना है, लेंथ को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो जितना एक्चुअल लेंथ है, जितना एक्चुअल लेंथ है जिससे कि आपका ये कोन बन जाएगा, उसके अलावा इसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जो स्टिचिंग वगैरह में वेस्टेज में जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक काम कर लेते हैं कि जो गिवन है जो स्टिचिंग में जो क्लॉथ यूज हो रहा है उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअल लेंथ तो आपने निकाल लिया। चलिए यहाँ लिख दें, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा सबको, तो यहाँ पर लिखेंगे टार्पलिन यूज्ड इन स्टिचिंग कितना यूज हो रहा है, 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर आ गया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लेंथ आपने पहले निकाला था 62.8, उसमें 0.2 ऐड कर लो तो यहाँ टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या किया, ये मालूम कर लिया कि 63 मीटर का जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड होगा। 63 मीटर अगर हम टार्पलिन की क्लॉथ को लेते हैं लेंथ में, 63 मीटर जिसका ब्रेथ 3 मीटर है, तो इस टेंट को हम लोग बना पाएंगे। क्लियर, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बता रहा है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर। ठीक है, कोनिकल टॉम मतलब वही हुआ कि आप टेंपल पे देखो या कहीं ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे ऊपर वाला जो भाग होगा वो कोनिकल बनाया जाएगा। ठीक है, तो कुछ कोन की ही बात कर रहा है, आप एक कोन का वो बना लो इस तरीके से समझने के लिए। ठीक है, अभी देखो क्या कह रहा है कि स्लैंट हाइट इसका जो है 25 सेंटीमीटर है। देखो स्लैंट हाइट ही होता है, हाइट को आप स्लैंट हाइट बोलते हो, 25 मीटर ये हो गया, और 14 बेस का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। तो सीधे रेडियस लिख लें 7 सेंटीमीटर, यहाँ से अगर हम बेस का डायमीटर देखें तो वो 14 है, तो ये 7 सेंटीमीटर हमको मीटर में है कि सेंटीमीटर में, मीटर में है, तो ये हो जाएगा 7 मीटर इसका बेस का रेडियस हो गया। अभी क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया की व्हाइट वॉशिंग होनी मतलब इसके बाहर पेंटिंग का काम होना है, और जो रेट दिया है वो 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर है। तो चलो जो चीजें लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखो स्लैंट हाइट एल दिया है 25 मीटर, बेस का रेडियस हो जाएगा 7 मीटर, और जो रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है, व्हाइट वॉशिंग
जो रेट है इसका वो है रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर की अगर पेंटिंग होनी है, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस ये जो पार्ट दे दिया है ना थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब अभी क्या था कि केवल अगर बोल देता 210 रुपीज पर मीटर स्क्वायर तब तो सीधे सीधे प्रोडक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे दिया 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग का 210 रुपीज हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग की कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, 210 से इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है, 210 से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। अब देखो व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालना है तो हम लोग को सबसे पहला काम ये करना होगा कि ये जो कॉस्ट दिया है वो 100 मीटर स्क्वायर का दिया है तो हम उसको 1 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, बस इतना ही करना है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं करने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो सीएसए निकाला जाएगा इसका, कर्ड सरफेस अगर हम व्हाइट वॉशिंग कराना चाहते हैं तो उसका सीएसए निकालेंगे। सीएसए का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर एल, आपको देखो आर भी पता है एल भी पता है, कुछ और नहीं निकालना है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीएसए ऑफ कोनिकल टॉम, तो जो कोनिकल टॉम है इसका सीएसए हो जाएगा पाई आर एल, और यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर देखो 7 सेंटीमीटर हो रहा है, एल जो है 25 है, इसको अगर आप 7 से 7 कैंसिल कर लोगे और यहाँ पर आप प्रोडक्ट कर लीजिएगा तो देखो प्रोडक्ट करके बताइए कितना आएगा इसका, ये आपका प्रोडक्ट करने पे इसका मीटर स्क्वायर में आंसर आपको मिल जाएगा 500 550, वेरी गुड, 550 इज करेक्ट। तो 550 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका, सीएसए आ गया उस टॉम्ब का जो कि कोनिकल शेप में है, क्लियर। अब हम लोग को कॉस्ट बताना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो ये बस ध्यान देना होगा कि 210 का जब हम इसमें प्रोडक्ट करने जाएंगे तो 210 अपॉन 100 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि जब आप 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 210 रुपीज ले रहे हो तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 210 अपॉन 100। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 550 इंटू 210 अपॉन 100, ठीक है। चलो ये 0 0 सब कैंसिल ही हो गया, इसका प्रोडक्ट करके जो आंसर है रुपीज में बताइए कितना आएगा, इसका प्रोडक्ट कर लीजिए और आंसर आपको रुपीज में मिल जाएगा, ये आ रहा है 1155, इसका आंसर आ रहा है, मतलब 1155 रुपीज लगेंगे इस टॉम्ब के व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 तो बिल्कुल इजी सा है, आप लोग कर ही लेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड, तो कोन का शेप ही वहां पर है और कुछ इस तरीके से बैरिकेटिंग के लिए कोन बना करके यूज किए जा रहे हैं। ईच हॉलो है, ध्यान देना इस बात पे, हॉलो बोला है, हॉलो बोला है, दैट मीन्स अंदर ये वाला सरफेस आपका हॉलो रहेगा अंदर से पूरा, ठीक है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, ठीक है। अब इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज 12, देखो आउटर साइड पेंट करना है, मतलब ये नीचे वाला पार्ट आपको पेंट, यहाँ पे तो हॉलो है पूरा, ये हॉलो है तो यहाँ पे तो आपको कोई सरफेस मिलेगा नहीं, पेंटिंग कहाँ होगा, ये सीएसए वाले पार्ट में होगा, जो बैरिकेटिंग के लिए कोन्स यूज किए जा रहे हैं उसका जो सीएसए है उस सीएसए वाले पार्ट को हमको पेंट करना है। तो चलिए क्या क्या गिवेन है उसको नोट कर लेते हैं, इसमें बोला है बेस का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो बेस का डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ ही साथ बता रहा है आपको हाइट, तो हाइट जो दिया हुआ है स्पून का वो दिया है 1 मीटर का, ठीक है। और इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, चलिए सारी चीजें हम पहले नोट कर लें, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है रुपीज 12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम लोग को एरिया मिलेगा तो 12 से इंटू ही तो करना है, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। What will the cost of painting all these cones? सारे cones 50 cones हैं, कितने cones दिए गए हैं 50 cones, ठीक है।
और क्या क्या दिया है आपको, देखो पाई की वैल्यू दे रखा है, पाई दिया हुआ है 3.14 यूज करना है और रूट टू की रूट में 1.04 की वैल्यू भी दिया हुआ है। अगर ये रूट में 1.04 आएगा तो हम 1.02 इसको लिख सकते हैं। सारी बातें नोट कर ली गई, चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला काम तो सीएसए निकालना है, तो आप देख सकते हो बेस का डायमीटर दिया है, बेस का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो 0.2 ये हो जाएगा रेडियस, इसका हो जाएगा 0.2 मीटर, ये रेडियस हो गया। और हाइट भी देखो दिया हुआ है 1 मीटर, मीटर में ही क्यों कर लिया गया, मीटर में इसलिए कर लिया गया कि जो कॉस्ट निकालनी है तो हम मीटर स्क्वायर में निकालनी है, तो फाइनली हमको मीटर स्क्वायर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ता, तो हम लोग सभी जो भी यूनिट अलग है उनको सबको मीटर में कर लेंगे ताकि बाद में फिर से कन्वर्ट ना करना पड़े। आइए पाई आर एल से पहले सीएसए निकालते हैं, सीएसए इज इक्वल टू पाई आर एल, देखो पाई पता है आपको, आर भी पता है और एल नहीं पता है, तो पहला काम क्या होगा एल निकाल लिया जाए। चलो एल इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, ये सब आर स्क्वायर दैट मीन्स आप समझ लो ये 0.2 का स्क्वायर और एच स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आप देखिए, हो जाएगा 0.04 और प्लस 1 और फाइनली ये हो जाएगा रूट में 1.04। देखो इसीलिए 1.04 रूट में वैल्यू दिया है, इसीलिए गिवन था कि रूट में 1.04 अगर आएगा तो आप लिख सकते हो 1.02, कैलकुलेशन का टाइम आपका बच जाए इसलिए, तो इसमें आप स्क्वायर रूट इसका आप अपने से भी निकाल सकते हो बट इट इज गिवन। तो इसकी जो जो प्लैंक हाइट आया वो आ गया 1.02। अब वैल्यू पुट कर लें, पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है, आर रेडियस 0.2 हमारे पास है ही और एल की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। अब इसको आप जरा सॉल्व करके बता दीजिए कितना सेंटीमीटर कितना मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। अगर अभी आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो ठीक है, एज इट इज रहने दो, क्योंकि फाइनल आंसर आपसे तो कॉस्ट पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि कितना यहाँ पर सीएसए का कितना एरिया आ रहा है, ये तो पूछा नहीं, इसने बोला 50 कोन्स को पेंट करने कॉस्ट बताओ, तो ये सीएसए किसका है 1 कोन का है, तो हम लोग निकाल लेंगे सीएसए ऑफ 50 कोन, निकाल लो सीएसए ऑफ 50 कोन, ठीक है। चलो अभी निकाल लें सीएसए ऑफ 50 कोन या कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 50 कोन, वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 50 सच कोन, अगर इस तरीके के 50 कोन की पेंटिंग की जा रही है तो 1.3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50, ये इंटू 50 किया कॉस्ट 50 कोन, और कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दे रखा है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो ये पूरा मीटर स्क्वायर में आएगा, इनको 12 भी कर दो तो एक बार में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो सीधे सीधे ये आंसर रुपीज में आएगा और आपको पता चल जाएगा कितना रुपीज यहाँ पर पे करना होगा इस 50 इस तरीके के 50 कोन्स को, इस तरीके के 50 कोन्स को, तो देखो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा रुपीज 384.34 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये 384.34 आप रुपीज स्पेंड करने होंगे इस तरीके के 50 कोन्स की पेंटिंग में।